रुक करते हैं अगली खबर की ओर और ये खबर जो आ रही है वो है हमारे खंडवा क्षेत्र की। पानी व कीचड़ से भरे गांवों में ग्रामीणों का दुख बांटने के लिए जहां कुंवर विजय साहे जी पहुंचे हुए थे। पूर्व मंत्री कुंवर विजय साहे ने प्रभावितों को राशन के साथ साथ वितरित किए कपड़े, अधिकारियों को सही आकलन करने के निर्देश दिए और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देने का ऐलान किया। विगत दिनों जिले में हुई वर्षा के कारण हरसूद विधानसभा क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हुए हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। विगत कई वर्षों से हरसूद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे पूर्व मंत्री एवं क्षेत्र के विधायक कुंवर विजय साहा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों के दुख दर्द में शामिल होकर नुकसान का मुआवजा शासन से दिलवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विजय साहा ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज राशन के साथ साथ कपड़े, कम्बल व साड़ियाँ भी वितरित की। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि विधायक कुंवर विजय सहाय अग्नि नदी से प्रभावित हुए आशापुर के ग्रामवासियों से रूबरू हुए और दुख दर्द में शामिल होकर उन्हें आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि जैसे प्रशासन से नुकसान का सही आकलन करवाकर शासन से मदद दिलवाने का वह भरपूर प्रयास करेंगे। आशापुर के कई डूबे हुए मकानों के समीप पहुंचकर वहां के पीड़ित परिवारों से भी उन्होंने संपर्क किया। साथ ही कन्या छात्रावास भी पहुंचे एवं पानी से प्रभावित एवं घबराई हुई कन्याओं से भी रूबरू होकर उन्हें हिम्मत दिलाई। श्री सहाय ने लगभग 200 कन्याओं को ड्रेस का भी वितरण किया। श्री सहाय हरसूद विधानसभा क्षेत्र के बनग्राम सुंदर दिव्य भी पहुँचे जहाँ वर्षा ने अपना तांडव दिखाया था और कई घरों को तहस नहस कर दिया था। सुंदरदेव में भी ग्रामवासियों से मुलाकात की और सभी को आश्वस्त किया कि विजय साहे के रहते गरीबों को कोई भी तकलीफ नहीं आने दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने तहसीलदार व पटवारियों को निर्देश दिए कि एक एक वन ग्रामवासी जिनका भी बाढ़ से नुकसान हुआ है सही तरह से उनका आकलन किया जाए एवं तुरंत मुआवजा दिलाने में सभी अपनी भूमिका निभाएँ। श्री साहे ने कीचड़ से भरे सुंदर देव के पूरे गांव में पैदल भ्रमण किया एवं अधिकारियों को निर्देशित किया कि जब तक वन ग्रामवासियों के रहने का साधन नहीं हो जाता है तब तक कैंप लगाकर वेयर हाउस में राशन और कपड़ों का वितरण कर ठहरने की व्यवस्था की जाए। वन अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि डूब से प्रभावित ग्रामवासियों की चिंता करें और जिन ग्रामवासियों के मकान तहस नहस हो गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनके प्रकरण बनाकर उन्हें स्वीकृत कराकर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें ताकि ग्रामवासियों को फिर से जीवन यापन शुरू किया जा सके। सुंदर देव में जब कुंवर विजय सहाय ग्रामवासियों से मिल रहे थे तब जहां ग्रामवासियों की आंखों में आंसू थे वहीं श्री सहाय भी भावुक हो उठे। खंडवा से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर महाजन की एक रिपोर्ट।